तो बाकी देखो, यहाँ पर एक बाल्टी बनाते हैं पहले। ये बना दिया एक बाल्टी, और यहाँ पर एक चुटिया वाली लड़की है, ठीक है, लड़की बना चुटिया वाली, ठीक है, आपके अनचाटी भी रेखा है, ठीक है। और यहाँ पर एक सीधी रेखा रखी हुई है, ठीक है, जो पहला आलू है 5 मीटर दूरी पर है, यानी कि जो लड़की है इसका कुछ नाम रख देते हैं, इस लड़के का नाम है प्रिया, ठीक है, कुछ और रखें क्या, चिंकी रख देते हैं, ठीक है, चिंकी। तो जो चिंकी है ये यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, चिंकी की आँखें तो बनाई नहीं हमने, आँखें बना देते हैं, ठीक है, अब अच्छी लग रही है चिंकी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो करते हैं स्टार्ट एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आपके लिए पार्ट 13 आ चुका है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका 8th क्लास सीखा हुआ है, पर ये आपको क्लास 10 का करवाया गया था, ठीक है, पार्ट 13। तो इसको इससे आप कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना कि क्लास 8 का करवाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लास 10 का ही करवाया गया है, ठीक है, पार्ट 13 जो आपका था। बाकी आपके लिए वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, स्टार्ट करो। तो इस अध्याय का लास्ट वाला पार्ट यानी पार्ट 13 करते हैं स्टार्ट, जिसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका यह वाला अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, और अपनी एनसीईआरटी साथ में रख लो और अपनी रफ नोटबुक साथ में रख लीजिए, ओके। तो बाकी करते हैं स्टार्ट, और जो भी फिगर वगैरह होगा वो आपके लिए ऊपर यहाँ पर साइड में आ जाएगा, ठीक है, लगा दूंगा आपके लिए मैं। तो एक आलू दौड़ एक पोटैटो रेस और था, उस पर प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई थी, प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई थी जो पहले आलू से 5 मीटर दूरी पर था, तथा अन्य आलू कैसे सीधे रेखा पर है। यह आलू कहाँ पर रखा होगा, जाहिर सी बात है एक रोड पर रखा होगा, फिर एक फर्श पर रखा होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। बाकी जो अन्य आलू है, पहला आलू कितने दूरी पर है, 5 मीटर दूरी पर है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको अपने तरीके से समझा दूंगा, ठीक है, प्रैक्टिकली करके कि कैसे कैसे है, ओके। तो ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ो जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो एक आलू दौड़ यानी कि पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, तथा अन्य आलू को सीधी रेखा पर परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। पहले आलू कितने मीटर पर, 5 मीटर पर, उसके बाद 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है। इस प्रकार इस रेखा पर टोटल कितने आलू हैं, 10 आलू हैं, इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 5.6 में दिया गया है। आकृति आपके लिए यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, ठीक है, देखो आ चुका है। तो प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, जो प्रतियोगी है वो बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है और फिर निकटतम आलू को उठाता है और उसे दोबारा बाल्टी में आकर रखता है। आपने खेल देखा होगा ना, वो आपने स्कूल में खेला होगा, बाकी आपके स्कूल में खिलाते नहीं है, ठीक है, आपने ज्यादा खेल खेला भी नहीं होगा, बाकी आपने टीवी में देखा होगा, ठीक है, कि एक मतलब कि कोई पत्थर लिया आपने, उसको फिर उठा के डाल रहे हो बाल्टी में, फिर दूसरा पत्थर, वहाँ पर बार आप कोई कैलकुलेशन करते नहीं हो, पर ये कुछ वैसे कुछ गेम जैसा ही है, ठीक है, बस यहाँ पर क्या है थोड़ा डिस्टेंस पर रखा गया है, मतलब पहला आलू 5 मीटर पे है, फिर दूसरा अगला 3 मीटर पे है, 3 मीटर पे इस तरीके से बना रखा है, और यहाँ पर देखना आपका एक एपी बन जाएगा। पर जब आप खेलते हो एकदम कहीं भी रैंडमली आप रख देते हो, मतलब कोई इसका नाप के तो रखते नहीं हो, बस रैंडमली रख दिया, तो वो अलग होता है, ठीक है। बाकी कुछ वैसा ही गेम है कि मान लीजिए सपोज आपने कुछ बाल्टी रखी है और कुछ दूरी पर आपने पत्थर बिछा रखा है, तो आप अपनी बाल्टी से स्टार्ट कर रहे हो दौड़ना, ठीक है, फिर पहला पत्थर उठा के जाके बाल्टी में डाल दिया, फिर दोबारा दौड़े, फिर दूसरा पत्थर उठाया फिर बाल्टी में डाल दिया, फिर दोबारा दौड़े, फिर तीसरा पत्थर उठाया और बाल्टी में डाल दिया, ऐसे आपके पास 10 पत्थर हैं। तो कुछ उस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आलू दिया हुआ है, बस यही फर्क है, पत्थर से आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो जो आपने गेम खेला है सेम वही है, बस यहाँ पर क्या है डिस्टेंस दिया गया है, मतलब पहला 5 मीटर पर, दूसरा उसके आगे 3 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर पर रखा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस आपको एक बार समझना होता है, और क्वेश्चन को समझ लोगे ना तो पूरा क्वेश्चन आप अपने आप ही कर लोगे, ठीक है। आगे देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, बस वही काम जो बताया मैंने आपको, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, ठीक है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक पूरा आलू खत्म नहीं हो जाता है, तब तक सभी आलू बाल्टी में ना चले जाएं, ठीक है। इसमें प्रतियोगी ने कुल कितनी दूरी तय करी वो आपको बताना है, ठीक है, तो कितना दूरी दौड़ना पड़ा उसको, कितना उसने चला वो आपको कैलकुलेट करना है। तो चलो आप अपनी प्रैक्टिकल जैसे मैं कर बताता हूँ आपको उससे देखते हैं, ठीक है। बाकी बुक की लैंग्वेज आपने सीख लिया है कि बुक में क्या लिखा हुआ है, आप देखते हैं यहाँ पर, बाकी आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। बुक में सिर्फ इतना ही दिया हुआ, आपके फिगर ऊपर आ चुका है, ठीक है, यहाँ पर देख लो। तो बाकी देखो, यहाँ पर एक बाल्टी बनाते हैं पहले, ये बना दिया एक बाल्टी, और यहाँ पर एक चुटिया वाली लड़की है, ठीक है, लड़की बना चुटिया वाली, ठीक है, आपके अनचाटी भी रेखा है, ठीक है, और यहाँ पर एक सीधी रेखा रखी हुई है, ठीक है, सीधी क्या रेखा हुआ है, और यहाँ पर पहले जो आलू है वो आपके 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है भैया, फिर जो अगला आलू है वो आपका 3 मीटर की डिस्टेंस पर है, फिर जो परस्पर जो जितने भी आलू दिए गए हैं सब आपके 3-3 मीटर की दूरी पर है। अब जो चुटिया वाली लड़की है इसको दौड़ के जाना है और पहला आलू उठाकर बाल्टी में डालना है, फिर दोबारा दौड़ना है, फिर दोबारा जाके ये जो 3 मीटर पर रखा हुआ है 5 मीटर का अगला, यानी कि 8 मीटर दूरी पर, उसको उठाने दोबारा बाल्टी में रखना है, ऐसे ही परस्पर 10 आलू को उसको उठा के बाल्टी में रखना है, ठीक है, बस यही गेम है, सिंपल सा गेम है भाई, इसका एपी बनाओ और इसको सॉल्व कर दो, देखो कैसे एपी बनाने, देखो ध्यान से, ऐसे टोटल कितने आलू इस रेखा पर रखे गए, 10 आलू बना दो, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 10 आलू हो गया, मान लो आलू है, ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी ये सबके सब दूरी कितने दूरी पर है, 3-3 मीटर की दूरी पर सब रखे हुए हैं, 3-3 मीटर, सिर्फ 3-3 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बस इतना करना है और कुछ नहीं। अब देखो
एपी कैसे बनेगा, बहुत ही ध्यान से देखना है यहाँ पर, ठीक है। अब खेल स्टार्ट होता है आपके क्वेश्चन का। जो पहला आलू है 5 मीटर की दूरी पर है, यानी कि जो लड़की है इसका कुछ नाम रख देते हैं, इस लड़के का नाम है प्रिया, ठीक है, कुछ और क्या चिंकी रख देते हैं, ठीक है चिंकी। तो जो चिंकी है ये यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। तो ये यहाँ से चाहती है पहला आलू उठाने के लिए, जाएगी तो 5 मीटर दूरी तय करेगी, फिर वापस आएगी तो 10 मीटर हो जाएगा, गई 5 मीटर और आई 5 मीटर, कितना हो गया 10 मीटर। यानी कि चिंकी ने जो पहला आलू उठाया उसको बाल्टी में रखने तक की दूरी कितनी तय करी इसने, 10 मीटर, यानी कि ए कितना आ गया आपका 10 आ जाएगा। फिर दोबारा चिंकी क्या करती है, ऐसे दोबारा प्रारंभ करती चलना, ठीक है। जब यहाँ चलेगी तो 5 + 3 कितना चल दिया इसने 8 मीटर, 5 + 3 कितना हो गया 8 मीटर, फिर 8 मीटर गई और 8 मीटर भी वापस भी आएगी। अब आलू उठाने के बाद वापस उसको रखना भी बाल्टी में, ठीक है। जब रखने के लिए वापस आएगी तो 8 + 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो सेकंड एपी कितना आ गया, सेकंड एपी का पर 16 आ गया, यानी कि सेकंड टर्म कितना आ गया आपका 16 आ चुका है। ओके, इस तरीके से आपको करना है, सिंपल है बिल्कुल। टोटल कितना टर्म है 10, यानी कि एन का मान कितना है 10 है, ठीक है। अब तो तीसरा पद क्या होगा आपका, ध्यान देखो यहाँ पर 5 गई, अब चिंकी है जो तीसरा आलू उठाने जा रही है, ठीक है। तो पहला आपका 5 मीटर हो गया, दूसरा आपका 3 मीटर, फिर 3 मीटर, तो 5 × 3 = 8, 8 × 3 = 11, तो 11 मीटर चिंकी गई और 11 मीटर चिंकी वापस आई। तो 11 + 11 कितना होता है बच्चों 22 होता है, तो 22 यहाँ पर लिख दोगे सिंपल सा, ठीक है। बस इतना ही काफ़ी है, बाकी आपको तो निकालना आता है आपको, बस तीन टर्म लिख लो पूरा एसएन का फॉर्मूला लगाकर। एसएन का फॉर्मूला आपको पता है, आपको पूरा एक चीज़ कैलकुलेट नहीं करना, एसएन का फॉर्मूला लगाओगे सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको सिंपल सा एस 10 निकालना है। चिंकी की आँखें तो बनाई नहीं हमने, आँखें बना देते हैं, ठीक है, अब अच्छी लग रही है चिंकी। ओके, तो बाकी करो स्टार्ट को, अब स्केच कर लोगे ना, इजी है भाई, करो ट्राई जल्दी से, फोर्स करो, पहले ट्राई करो खुद से, इतने सारे क्वेश्चन करवा रखा है मैंने आपको, ठीक है। अब आपके एपी बन चुका है पर 10, 16, 22, यहां तक मेन गेम था, इसको अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा रिपीट करके देखो, ठीक है। जितनी बार समझ में ना आए दोबारा रिपीट करके देखो, क्योंकि ये मेन पार्ट था आपका कि एपी कैसे बनाए, इस क्वेश्चन का मेन पार्ट यही है कि एपी कैसे बनाए। आपको एपी बना बनाया मिलता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लेते हो, पर एपी बनाना हो तो कैसे करोगे, देखो इस तरीके से, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा रिपीट करके देखो, तभी समझ में आएगा, ठीक है। पीछे करो आप कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी कईयों को समझ में आ चुका होगा और करो अब आगे, पहले खुद से ट्राई करना, जल्दी करो ट्राई, 30 सेकंड आपके पास, जल्दी करो पॉज करो ट्राई करो। तो बाकी आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा, करा है ट्राई ना, जल्दी बताओ ईमानदारी से करा है, नहीं करा काम चोरी मत करना, बता रहा हूँ पहले मैं, ईमानदारी से करना है, ठीक है। तो आपका एपी का पहला पद क्या है 10, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जिसने भी कर रखा है यहाँ से मिला लेना, ठीक है, कि आपका आंसर कितना आ रहा है। बाकी इसके बाद सिंपल है भाई, यहाँ पर ए कितना आ गया आपका 10 आ गया, ए टू कितना आपका 16 और ए थ्री कितना है आपका 22। आपको निकालना है पहले D का मान, D कैसे निकालते हो, A2 - A1, A2 कितना है 16 है, माइनस में 10 लिख देंगे और यहाँ पर आपका आ जाएगा सिंपल सा 6, यानी कि D का मान कितना आ गया 6 आ गया, तो सार्व अंतर आपका कितना निकल गया 6 निकल गया, ठीक है। अब आपको निकालना है SN, ठीक है। तो SN का पहले यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला और हमें निकालना है S10, क्योंकि N का मान आपको दे रखा है 10। ओके, तो आप बताओ SN का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बताओ जल्दी से, सेकंड वाला फॉर्मूला क्या था जल्दी बताओ, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d, ओके, वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूला मत भूलना, और ये इस चैप्टर का लास्ट वाला पार्ट है, इसके बाद में कोई भी इसकी प्रैक्टिस फिलहाल में तो नहीं कराने वाला, क्योंकि अब आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, बीच बीच में कुछ ना कुछ लाते रहूँगा आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लाते रहूँगा, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर देखो एसएन का कौन सा फॉर्मूला, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d, सिंपल है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है और आपको S10 ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर दीजिए यहाँ पर, n की जगह रखेंगे 10, बाकी सारी की सारी वैल्यू पुट करो फॉर्मूले में, आपका आंसर निकलते जाएगा सिंपल सा, 10/2 ब्रैकेट बंद, ए का मान कितना भी है 10 है, तो 10 यहाँ पर लिख दोगे, प्लस में एन का मान कितना है 10, तो 10 - 1 ब्रैकेट बंद, और डी का मान कितना है 6, तो 6 यहाँ पर लिख दोगे, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। अभी मत काटो, लास्ट में काटना, लास्ट में काटने से आपके लिए आसानी जाएगी, ठीक है, लास्ट में काटने से आपके लिए आसानी जाएगी। ब्रैकेट बंद, 2 को 10 से गुणा करो कितना आएगा आपका 20 आ जाएगा, 20 यहाँ लिख दोगे, 9 × 6 कर दो कितना आ गया 54 आ जाएगा, ठीक है, 10/2 ब्रैकेट बंद 20 + 54, ओके समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, बस प्लस माइनस करना है और आपका आंसर निकल जाएगा यहाँ पर। तो 54 + 20 कितना होता है 74, तो 74 यहाँ लिख दोगे और नीचे 2 है आपका, 74 और 2 से काटो कितना आ रहा है 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, अब कितना आ गया आपका 10 × 37, तो 37 को 10 से गुणा कर दो, आपका आंसर निकल चुका है, कितना निकला है जल्दी बताओ, 10 से गुणा करना सबसे सिंपल, लास्ट में 0 लगा दो सिंपल सा, तो 370 आपका आ गया, 370 मीटर, यानी कि जो आपकी चिंकी है उसको 370 मीटर दूरी तय करनी पड़ी आलू को कंप्लीट उठाकर बाल्टी में रखने के लिए। तो चिंकी देखो कितनी मेहनत करती है, ठीक है, बाकी चिंकी जो बाल है बहुत लंबे लंबे हैं, कुछ ज़्यादा लंबे बाल हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमारी ड्राइंग थी।
तो बाकी आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा और क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था। और एक्सरसाइज नंबर 5.3 का लास्ट वाला पार्ट यानी पार्ट 13 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है और आपका आंसर आ चुका है 370। बाकी आपसे मिलेंगे आप नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका? त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है, जो कि आपका कल ही से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.1 का पार्ट 1, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है, हिंट दे रहा हूँ। बाकी सिर्फ आप इतना याद रखो कि एक्सरसाइज नंबर 8.1 आपका कल से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे पार्ट 1, क्योंकि कल ही आपका आने वाला है, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे। जिसने भी बच्चे पार्ट कंप्लीट नहीं करे, जाकर जल्दी कंप्लीट कर लो, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर कंप्लीट करो, ठीक है। टोटल कितने वीडियो होंगे? अराउंड 25 वीडियो होंगे, सिर्फ 25 से कमी है, ठीक है। 25 वीडियोस में आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपने चैप्टर 2 भी कंप्लीट नहीं करा तो जाकर वो भी देख सकते हो, उसकी लिंक भी आपके लिए मैं लगा दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं लगा दूंगा, ठीक है। चैप्टर 2 भी आपका कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 5 भी आपका कंप्लीट हो चुका है, 2 चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं। आपका चैप्टर 8 भी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, मात्र 10 दिनों के अंदर में ट्राई करेंगे, कंप्लीट है, ठीक है।